बोली बोलो फिर। आज हमारा 12th क्लास का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एडमिशन और फिर पास क्लास मतलब कि साझेदार का प्रवेश, ये फोर्थ चैप्टर है हमारा साझेदार का प्रवेश। उसके हम आई थिंक जो थर्ड चैप्टर था हमारा चाहिए प्रोसेस चेंज रेशियो का, उसमें हम 35 क्वेश्चन तक कर चुके थे और उसके टोटल क्वेश्चन 39 है, तो 4 क्वेश्चन हो गए वो अपने आप कर सकते हो आप। और उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ लेना बाय मैसेज, मैं उनको बाय वीडियो आपको समझा दूंगा। तो इजी क्वेश्चन वो हो ही गए होंगे आपको, अगर नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटेंसी का वो हमारा एडमिशन हो गया पार्टनरशिप मतलब साझेदार का प्रवेश। तो जब पार्टनरशिप हो ही चुकी है तो एक साझेदार का प्रवेश या साझेदार की क्यों जरूरत पड़ती है, तो किस कंडीशन में साझेदार की जरूरत पड़ती है वो हम पढ़ेंगे। और फिर जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो अपने साथ कैरेक्टर भी लेकर आएगा और गुडविल लेकर आएगा, तो इसके बदले वो पार्टनरशिप करेगा उनके साथ तो कुछ हिस्सा वो अपना एज ए प्रॉफिट जब एंड ऑफ द ईयर फर्म को लाभ होगा तो वो अपना लाभ हिस्सा लेगा वो। तो अगर वो हिस्सा ले रहा है तो इससे ओल्ड पार्टनर जो पुराने ऑलरेडी पार्टनर है उनका कुछ ना कुछ अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट यही है कि साझेदार की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, एक न्यू पार्टनर की आवश्यकता, पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ेगी। देखो इसके लिए क्यों होगा, क्योंकि हमें फर्म के लिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम रन कर रहे हैं इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, अधिक कैपिटल की, मोर कैपिटल के लिए हमें एक नए पार्टनर की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा हमें एक नए पार्टनर की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमें एक एक्सपीरियंस वाला, एक्सपीरियंस वाला कोई क्या चाहिए, पर्सन चाहिए, कोई पार्टनर चाहिए जो बिजनेस को अच्छी तरह से चला सके, स्किलफुल मतलब कुशल और एक एक्सपीरियंस वाला, ठीक है, तो इसलिए भी पड़ेगी। इसके अलावा एक ऐसा पार्टनर भी होना चाहिए जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करे, जो एम्प्लॉय को क्या करे, मोटिवेट करे ताकि वो अधिक से अधिक फर्म में अधिक से अधिक क्या करे, कार्य करे। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए, एक फेमस पर्सन, फेमस पर्सन या फिर पार्टनर, एक हम उसी व्यक्ति को पार्टनर बनाए जो फेमस हो, ताकि इससे जो हमारी फर्म होगी उसकी जो गुडविल है वो और भी ज्यादा क्या हो जाए, फेमस हो जाए। कॉमन सी बात है, अगर फेमस पर्सन होगा तो हमारे जो प्रोडक्ट के है वो अधिक से अधिक सेल होंगे, क्योंकि एक फेमस पर्सन या जो अच्छा रिस्पेक्टेबल पर्सन होगा वो अगर हमारा पार्टनर बनेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है जो हमारी सेलिंग है वो और भी ज्यादा होगी। ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके लिए फर्म को किसकी आवश्यकता पड़ती है, न्यू पार्टनर। तो इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे कि उसकी आवश्यकता की क्यों आवश्यकता पड़ती है न्यू पार्टनर की, उसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इसको मैं मिटा देता हूं, इसके अलावा अगर हम न्यू पार्टनर ले रहे हैं तो न्यू पार्टनर आ रहा है तो इसके लिए पार्टनरशिप डीड की जाएगी, क्या की जाएगी, पार्टनरशिप डीड, इसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख। क्यों, क्योंकि तो जब जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो इसके लिए हमें एक एग्रीमेंट करते हैं रिटर्न में। मैं बता फर्म पार्टनर डीड क्या होती है, जो हम लिखित में एक एग्रीमेंट एक समझौता करते हैं ताकि एंड ऑफ द ईयर अगर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो तो वो नकार ना ले, इग्नोर ना कर दे कि मैंने इतने पैसे दिए थे या मैं इतना प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, तो इस तरह की कोई जो इंटरफेयर ना करे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं पार्टनर डीड करते हैं। तो इसके लिए जैसे ही एडमिट होता है कोई न्यू पार्टनर तो एक पार्टनरशिप डीड करनी पड़ती है। इससे क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर की, जो ओल्ड पार्टनर की पार्टनरशिप डीड होती है ना, पार्टनरशिप डीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, कल क्लोज हो जाएगी,
जाएगी, क्लोज हो जाएगी, मतलब कि जो ओल्ड पार्टनर ने आपस में पार्टनर डेट करेंगे वो समाप्त हो जाएगी, और जैसे कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो न्यू पार्टनर डेट बनती है जिसमें ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर सारे शामिल हो जाते हैं, और उसमें टर्म्स और कंडीशन होगी जो सबको फॉलो करनी होगी कि कौन कितनी कैपिटल लगा रहा है, किस ब्याज पे, कैसे क्या है। और ये जो पार्टनर डीड है ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 13(1) के अनुसार, 13(1) के अनुसार, सॉरी 31(1)(1) के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नया पार्टनर आएगा, मैं एक बार बता दूं चलो, कोई भी नया पार्टनर आएगा वो अपने साथ कैपिटल भी लाएगा एंड गुड भी लाएगा, अगर अच्छा हुआ कॉमन की बात है तो ये दोनों चीजें वो पार्टनर अपने साथ लाएगा, और जब वो अपने साथ लाएगा तो सारी चीजें बैंक में जाएगी, किसमें जाएगी, बैंक में जाएगी, और इसके बदले एंड ऑफ द ईयर जब सबको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो न्यू पार्टनर अपना फर्म में से शेयर लेगा। अगर वो फर्म में शेयर ले रहा है तो इसके लिए जो ओल्ड पार्टनर है उसको अपने अपने हिस्से का क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जितना हिस्सा न्यू पार्टनर लेगा उतना ही हिस्सा ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये चीजें थी, इसके लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं किन किन एडजस्टमेंट की आवश्यकता है। पहला नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, मतलब जैसे कोई नया पार्टनर आएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ेगा, इसके अलावा गुडविल अलग से एडजस्ट होगी, इसके अलावा एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज है वो दोबारा रिवैल्यूएट होगी, इसके अलावा वो आगे रिजर्व एंड सरप्लस ये भी हमारा दोबारा होगा, एंड पार्टनर की जो कैपिटल है उनका एक न्यू रेशियो बनेगा, कॉमन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो जो पार्टनर की पूंजी है उनके लिए एक नया लाभ जो वजन अनुपात बनेगा। तो कुछ टर्म्स की आवश्यकता है कि नया पार्टनर आ रहा है तो कैसे क्या होगा वो आप पढ़ भी लेना, तो ठीक है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो, फर्स्ट पॉइंट है जो हम करेंगे। इसका मतलब क्या है, नया लाभ विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात ही लगा दो, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर कोई नया पार्टनर आया तो अपने सब कैपिटल और गुडविल को लेकर आया है तो इसके बदले एंड ऑफ द ईयर वो अपना हिस्सा भी लेगा, प्रॉफिट हो तो अपना हिस्सा लेगा। अगर न्यू पार्टनर अगर वो अपना हिस्सा ले रहा है, अपना शेयर ले रहा है, तो ये जो शेयर है वो कौन देंगे, ओल्ड पार्टनर देंगे, ओल्ड पार्टनर देंगे, ठीक है। इसके लिए जिस शेयर कौन देगा, ओल्ड पार्टनर देगा, ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ेगा अपने शेयर में, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने शेयर में से। अब वो सैक्रिफाइस किस तरह करेगा, किस प्रकार करेगा वो हमने बताना है, वो सैक्रिफाइस रेशियो में करेगा, जब वो सैक्रिफाइस इक्वल देंगे, ठीक है, कमर्शियल से डिफरेंट रेशियो में करेगा जब सैक्रिफाइस इक्वल देंगे, या फिर थर्ड वाइज वो सैक्रिफाइस तो कर रहे हैं पर हमें ये नहीं पता कि किस प्रकार कर रहे हैं, अगेन रिपीट, वो सैक्रिफाइस तो कर रहे हैं बट हमें ये नहीं पता कि वो किस प्रकार कर रहे हैं। तो हमें ये चीजें हैं जो एक तरह से बता रहे हैं कि कैसे क्या एक नया पार्टनर को पार्टनर से पैसे लेते हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं वो हम करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को इक्वल भी दे सकता है, रेशियो में भी दे सकता है, या जो शेयर वो कह रहा है उससे शेयर के बेस पे दे सकता है। सो ए डी का नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो 1/7 ले रहा है सी से, 1/8 ले रहा है डी से, तो इतना ही शेयर सी में से लेस होगा, इतना ही शेयर डी में से लेस होगा। तो ये चीजें दे रखती है, अगर ये इस टाइप के शेयर दे इक्वल हो तो इक्वल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर करेंगे तो हम करेंगे क्वेश्चन जब बताएंगे आपको। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना।
एक्सरसाइज को सुनेगा। उसके बाद फिर सी एडमिट को है मतलब अपन फोर्स कर लेंगे सी न्यू पार्टनर सी न्यू पार्टनर वन अपन फोर्स कर लेंगे ठीक है। तो ऑफ फ्यूचर एंड कैलकुलेशन टू क्यू न्यू रेशियो कैलकुलेट टू न्यू रेशियो। देखो यहां पे सिर्फ एक चीज दे रखे ए बी का रेशियो दे रखा सी वन अपन स्केल आ रहा है वन अपन फोर्स स्केल आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेट द न्यू शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट द न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना। अब हमें ये नहीं पता कि सी जो ये हिस्सा ले रहा है तो वो ए से कितना हिस्सा ले रहा है बी से कितना ले रहा है हमें ये पता है कि सी को कितना मिल रहा है पर हमें ये नहीं पता कि किस बेस पे वो ए और बी से शेयर ले रहा है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सी रिमेनिंग निकालेंगे सी रिमेनिंग रेशियो निकालेंगे सी रिमेनिंग शेयर निकालेंगे सी का रिमेनिंग निकालने के लिए कभी भी वन में से उस शेयर को क्या कर दो लेस कर रिमेनिंग निकालने के लिए कभी भी वन में से जो शेयर आपका है उसको लेस कर दो तो सी का शेयर तो वन अपॉन फोर है इसका रिमेनिंग निकालेंगे इसमें इसको लेस कर देंगे वन में से तो क्या आ रहा थ्री अपॉन फोर ये शेयर आएगा ठीक है ये शेयर आएगा जो बचा हुआ शेयर है इसका ए एंड बी का तो यहां पे ए का जो न्यू शेयर निकालेंगे ए शेयर कितना है फाइव अपॉन एट या ये रखेंगे हम पी अपॉन फोर ओ फाइव अपॉन एट मतलब कि इस शेयर का कितना शेयर है इसका ए का तो ए शेयर जो कैंसिल हो नहीं रहा कितना है फिफ्टी रखो थर्टी टू अरे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना और पी अपॉन फिफ्टी रखो ठीक ऐसे कर दो अब बी शेयर निकालेंगे हम बी न्यू शेयर निकालेंगे तो ये रिमेनिंग शेयर है जो ए और बी का बचा हुआ है तो वो ले लेंगे ठीक है भाई ये तो शेयर इसका आ गया बचा हुआ शेयर किसका है ए और बी का तो है हमने इस तरह उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो बी का निकाले तो बी का ये ही रहेगा रिमेनिंग तो ठीक है ऑफ थ्री अपॉन ए तो बी इस शेयर कितना आएगा फोर थर्टी इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो नाइन अपॉन थर्टी तो ये हमारा बी का भी आ रहा है ए का भी आ गया और सी का ऑलरेडी हमारे पास है मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि मैं न्यू रेशियो निकाल सकूँ तो न्यू रेशियो आएगा न्यू रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो ए बी एंड सी का अभी हमारा ओल्ड रेशियो था ए और बी का फाइव रेशियो थ्री ऐसा कुछ था फाइव अपॉन एट थ्री अपॉन एट ओल्ड रेशियो था अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए अगर वो रेशियो नहीं दे रखा तो रिमेनिंग निकाल के उसको क्या करना है उसको जो बचे ओल्ड पार्टनर उसको उससे मल्टीप्लिकेशन कर देना और न्यू शेयरिंग रेशियो आ जाएगा इसका कितना आ रहा है न्यू शेयरिंग रेशियो ए का 32 कर देंगे ए का कितना आ रहा है न्यू शेयरिंग रेशियो ए का आ रहा है 15 अपॉन 32 बी का कितना आ रहा है 9 अपॉन 32 एंड सी का कितना आ रहा है 1 अपॉन 4 क्लियर है सी का तो एलसीएम क्या है 32 है 32 पे जाए तो 1 आ रहा है ये भी 32 पे जाए तो 1 आ रहा है के टेबल 32 किस बात है एक बात है तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया गया है वो हमारा कितना है 15:9:8 आप देखो क्या आ रहा है इसका आंसर ठीक है ये जा रहा है। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने जो करना है एंड सेकंड का ए मतलब दूसरे का एक क्वेश्चन आप देखो P और Q को पार्टनर दे रखे हैं 4:3 दे एडमिट
आर ए पार्ट ऑफ 1/7 शेयर इन प्रॉफिट व्हिच एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू न्यू कैलकुलेटेड रेशियो। मतलब यहां ये अब कहने लग गया, ये कह रहा है कि पी और क्यू को पार्टनर दे रखे हैं और आर एक नया पार्टनर आया हूं एडमिट हुआ है 1/7 शेयर लेके और वो पी और क्यू से इक्वल शेयर ले रहा है, पी और क्यू से इक्वल ले रहा है, तो जितना भी आर का शेयर है उसको इक्वल पी और क्यू दो ही तो है। एंड क्या वो टू ही तो दे रखे हैं, तो पी क्या दे रखा है, पी हमारा कितना है ये है, क्या वो हमारा ये आर एक नया पार्टनर आया है वो कितना शेयर देता है 1/7, बट ये कह रहा है कि आर रिक्वायर कर रहा है, आर क्या कर रहा है रिक्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है इक्वल ले रहा है, क्या ले रहा है इक्वल ले रहा है किससे पी एंड क्या उसे पी एंड क्या क्या ले रहा है इक्वल ले रहा है, किसका अपने का इक्वल ले रहा है, तो आर पहले निकले थे अगर इस टाइप का आता है कि पी क्या रेशियो दे रखा है आर इतना लेके आ रहा है तो वो पी और क्या उसे इक्वल इक्वल शेयर ले रहा है, कैसे क्या करना है आर रिक्वायर शेयर फॉर पी कितना ले रहा है अपने शेयर का 1/2 ले रहा है, मतलब कितना ले रहा है 1/14, ध्यान रखना शेयर पर आर रिक्वायर शेयर क्या अपने शेयर का 1/2 ही ले रहा है, मतलब कितना ले रहा है 14 ले रहा है, ठीक है इतना इतना ले रहा है, अगर हम इतना शेयर किससे ले रहा है पी से, इतना शेयर किससे ले रहा है क्या मतलब इतना इतना शेयर दोनों से ले रहा है, अगर इन दोनों का सम आर का जो शेयर रियल है उतना है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, तो देख सकते हैं इन दोनों का सम कितना है 1/14 1/14 पी का इतना क्या कितना ऐसे उसका 14 1 1 2 अपॉन 14 2 बटा 2 2 7 14 सही आ रहा है, इसका मतलब सही है, तो अगर कितना शेयर पी दे रहा है तो पी में शेयर लेस होगा, कितना शेयर क्या दे रहा है क्या में शेयर लेस होगा, तो पी इज न्यू शेयर, पी इज न्यू शेयर, पी का कितना है 4/7 है, पी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/14 एलसीएम क्या है 14 2 पे गया 4 टू द 8 ये बनता है, तो 8 माइनस 1 14 7 अपॉन 14 ये आ रहा है, किसका है शेयर पी का है, तो हम किसका निकाल रहे क्या हो इस न्यू शेयर क्या होते मैं पी अपॉन 7 है देखो ना, तो बोलो क्या होते अपॉन 7 है सैक्रिफाइस कितना करें 1/14 कर रहे हैं, क्या उसका निकाल कर आर को दे रहे हैं ना, तो ऐसे कितना आ रहा है 14 टू के ना 3 इंटू 2 1 इंटू 1 एक 14 मतलब 14 होता है 6 माइनस 1 14 ये हमारा क्या होता न्यू शेयर आ रहा है, ठीक है ना ध्यान रखना, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गया है, इसका हम न्यू रेशियो निकालेंगे, आर का हमारा 1/7 है तो ये 7 है, ठीक है पी का ध्यान रखना हमारा न्यू रेशियो 7/14 और क्या होगा 5/14 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इसका कितना है 7/14 क्या होगा पी का क्या होगा कितना 5/14 और आर का कितना है 1/7 यही है, एलसीएम क्या है 14 7 5 7 टू द 14 तो न्यू रेशियो जो आ रहा है प्रॉफिट हमारा कितना है 7:5:2 ये हमारा आ रहा है, देख सकते हैं कितना है, ठीक है ऐसा कैसा है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ अब ये जेड एक्स वाई टू पार्टनर दे रखे हैं जो 2:1 है, जेड एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है जो अपना शेयर 1/11 जो अपना शेयर 5/11 लेके आया है
बट वो x से 3 अपॉन 11 ले रहा है और y से 2 अपॉन 11 ले रहा है, मतलब खुद कह रहा है कि मैं इससे इतना स्क्वायर ले रहा हूं, इतने इससे इतना स्क्वायर ले रहा हूं। इसमें आपको किसी से कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, आप x से जो 3 अपॉन 11 ले रहा है z, तो x का जो भी शेयर दे रखा है 2 अपॉन 3 दे रखा है, 2 रेशियो बना ना, तो 2 अपॉन 3 में से 3 अपॉन 11 लेस कर देंगे, जो आएगा वो x का न्यू शेयर आ जाएगा। ऐसे ही y का जो दे रखा है 1 अपॉन 3 दे रखा है, उसमें से y जो शेयर जा रहा है वो दे रखा है 2 अपॉन 11 दे रहा है, इसको y का जो शेयर दे रखा है 1 अपॉन 3 उसमें से इसको लेस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा न्यू शेयर आएगा और इनका फिर निकालेंगे रेशियो निकालेंगे। ऐसे ही आप क्वेश्चन कर लेना, आपने 5 क्वेश्चन तक करके भेजने हैं, अगर आगे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप कोशिश कर लेना। ओके थैंक यू, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से